और ब्रज घाट ये और फिर गया दूर। अच्छा। ये मुक्ति धाम पिंड पितरों के। हे ट्रैवलर्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ आपका होस्ट मुकेश सिंह। सो आज हमने एक ऑफ बीट लोकेशन ढूंढी है, गढ़ मुक्तेश्वर, जो कि दिल्ली से अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास है। आज हम उसे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 5:40 के आसपास हो रहा है और अभी हम गढ़ मुक्तेश्वर के लिए निकल गए हैं। हे गाइस, हम मेरठ एक्सप्रेस पे चढ़ गए हैं। देखो बहुत ही मस्त एक्सप्रेस वे बना रखा है, क्रूजिंग स्पीड बहुत अच्छी है इसमें। अभी बहुत सारे राइडर भी दिखे थे हमें क्रूज करते हुए जा रहे थे, ये वीरेंद्र सर हमारे लीड करते हुए जा रहे हैं। इस पे स्पीड सेंसर भी लगे हुए हैं, आपको चलाते हुए कर सकता है जिसको स्पीड लिमिट मेंटेन करके चलना, 100 किलोमीटर की स्पीड है मैक्सिमम। सो देन अपनी स्पीड लिमिट मेंटेन करना चलाने अवॉइड करने के लिए, नहीं तो आपका चलान कट जाएगा फिर होते रहोगे। सो गाइस, इस पॉइंट से आपको मेरठ एक्सप्रेस वे छोड़ना पड़ेगा और आपको हापुड़ की ओर जाना पड़ेगा। गाइस, सन देखो कितना मस्त निकला हुआ है, अभी मॉर्निंग का व्यू, सूरज निकल चुका है, पूरे लाल ही लाल और रखा है बादल, क्लाउड सन के आसपास का एरिया पूरा रेड रेडिश हो रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे योगी जी हमारे वोट मांगते हुए, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है यूपी में, तो योगी जी जगह जगह दिखेंगे आप लोगों को। और कुछ अभी का अपडेट कुछ ऐसा है, यहाँ से गढ़ मुक्तेश्वर रह गया है 45 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, और आई थिंक हम हाफ एन आवर के आसपास या 45 मिनट्स में ये डिस्टेंस कवर कर लेंगे। देन उसके बाद गंगा जी पे डुबकी मारते हैं और इंजॉय करते हैं। सो गाइस, गढ़ मुक्तेश्वर जाते समय आपको ये टोल प्लाजा पड़ेगा, इस टोल प्लाजा थोड़ी दूर आगे जाकर आपको गढ़ मुक्तेश्वर आ जाएगा। बाइक से राइड करने एक ये फायदा होता है कि आपको टोल बच जाते हैं, बट सिंगल राइडर जाते हो तो पेट्रोल आपको उतना ही लगता है, सो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इधर ना उधर आपके पैसे लगते ही हैं, या तो पेट्रोल में दे दो या टोल में दे दो। हमने पेट्रोल में दिया सो टोल बचा हमारा। सो गाइस, हम आ गए हैं गढ़ मुक्तेश्वर, अब इधर हम घाट की तरफ जा रहे हैं और ब्रज घाट ये और फिर गया दूर। अच्छा। ये मुक्ति धाम पिंड पितरों के। अच्छा। जो हर बार कराए जाते हैं नहीं लोग वो फिर भी यहाँ आके लगते हैं, वहाँ से माने नहीं जाते, वो तो एक स्नान जो है वो बना दिया हसी पौड़ी, ये कच्चा धाम है और नवंबर में जो मेला भरता है वो भरता है कच्चे घाट पर आगे आगे। तो गाइस, फाइनली हम गढ़ मुक्तेश्वर पहुँच गए हैं, यहाँ पे हमने अपनी बाइकें पार्क कर दी और यहाँ पे हमने सामान अपना रख दिया, उसके बाद हम जा रहे गंगा जी में डुबकी लगाने। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो फाइनली हम गंगा जी में डुबकी मार रहे हैं। माँ हूँ ना मानो तो बहता पानी, करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, ना कर मैली तू गंगा, तन धोए मन तो गंदा, पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी, ना कर मैली तू गंगा, तन धोए मन तो गंदा,
आए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। गाइस यहाँ पे आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे बोट्स रखे हुए हैं, आप यहाँ पे बोट हायर करके बोटिंग का मजा ले सकते हो। बोटिंग के प्राइसेस अभी पूछ के बताते हैं आपको, हम बोटिंग तो करेंगे नहीं बट आप भी ले सकते हो बोटिंग का मज़ा, आओ तो यहाँ काफ़ी फैमिली के साथ आके यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। बट यहाँ पे एक तरह से मुक्ति धाम है, आप यहाँ पे आके मोक्ष की प्राप्ति होगी आप लोगों को। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाऊंगा तो ध्यान लगा के आपको मिलता हूँ। हम तो शुद्ध हो गए और हमारी बाइकें भी शुद्ध हो गई हैं। सो गाइस गढ़ मुक्तेश्वर में मुक्ति लेके अब हम लोग अपने घर की ओर चल दिए हैं। अभी टाइम हो रखा है 9:12, अब देखते हैं 100 किलोमीटर के आसपास वापस रिटर्न जाना है हमें, कितनी देर में पहुँच पाते हैं नोएडा वापस। इधर ये शमशान घाट है, इधर ही आपका पीछे की साइड टेंपल भी है, टेंपल हम जा नहीं पाए, गंगा नहा लिया हमने, बस हो गया। गाइस दिल्ली यहाँ से 40 किलोमीटर रह गया है, अब ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं। अब घर पहुँच के हम लोग खाना ब्रेकफास्ट तो खा लिया, अब गंगा जी उसमें नहाना, डुबकी मारी थोड़ा शरीर गंदा सा हो गया है, मैट वाला पानी था, फिर नहा धो के रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसा ही वीकेंड गेटवे के लिए आपको नई नई जगह ढूंढ के लेते आएंगे, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीकेंड गेटवे घूमने के लिए। हमारे साथ M2 ट्रेवल्स साथ बने रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, जो बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा उसे दबाना ना भूले, तो जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप हमारी वीडियो का आनंद ले पाए। चलो टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, कोविड को बच के रहिए। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो बाय।